नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम समुद्र गोरखपुर जनपद का मामला है। गोरखपुर जनपद के खोरावर थाना अंतर्गत ग्राम सनहा के बारी टोला का एक घटना है, जो एक युवक की संदिग्ध हालत में चप्पल देखी गई खेत के अंदर। यह सनसनीखेज मामला गोरखपुर के खोरावर का है। क्षेत्र में पूरा हड़कंप मच गया इस घटना को देख करके कि आखिर क्या हो सकता है। हत्या की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि दो चप्पल वहां पे खेत के अंदर मिले थे। बताते चले कि गोरखपुर के खोरावार अंतर्गत सनहा के एक लड़के की आजाद निषाद की संदिग्ध हालत में गुमसुदी का जो मामला आया, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि कहीं इसकी हत्या तो नहीं हो गई। बताते चले कि भोर के समय में आजाद निषाद अपने पोखरे पे गया, जहां पर मछली पालन कर रहा था, वहां पे गया, लेकिन घर नहीं लौटा। कुछ समय बाद लोगों को यह आशंका हुई तो खेत के अंदर दो चप्पल देखा गया, जो संदिग्ध हालत बताई गई। लोगों का शक बढ़ गया कि कहीं हत्या तो नहीं हो गई, लेकिन ठीक क्षेत्राधिकारी सीओ कैन और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस सूचना के बाद एसएसपी ने बयान दर्ज करके जो कहा कि अभी जल्द ही हम कार्रवाई करेंगे और जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा या फिर उस गुमशुदा लड़के को पकड़ा जाएगा। पहले आप इस एसएसपी की बयान को सुनिए, फिर हम आगे की बात को, घटना में कैसा ट्विस्ट होता है, हम आगे आपको दिखा रहे हैं। सर, सनहा में जो घटना अभी देखने को मिल रही है, सर उसमें क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? जनपद गोरखपुर के थाना खोरावार के सनहा गांव से आज सुबह एक सूचना आई कि एक 20 वर्षीय युवक, जिसका नाम आजाद है, उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि सुबह 4 बजे से ही मिसिंग है। सुबह से उनके द्वारा भी ढूंढा गया है, उनके द्वारा आशंका जताई जा रही है कि इस घटना की, इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम द्वारा, डॉग स्क्वाड द्वारा, ड्रोन कैमरे द्वारा सभी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, और साथ ही साथ जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, क्योंकि इस घटना के गांव के आसपास काफी पानी जो है वो भरा हुआ है, तालाब है, एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस युवक को कहीं से छोड़ा जा सके। ये अभी आप एसएसपी को सुन रहे थे, लेकिन ठीक 5 घंटे के बाद उस युवक की बगल के खेत में लाश मिलती है। लेकिन उस युवक की जब लाश मिली तो बताया गया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। यह आसनाई में उस युवक की जान गली गई, लेकिन जिस पे आरोप लगता है, जिस युवती पे आरोप लगता है, जिस परिजन पे, युवती के घर वालों पे आरोप लगता है, वो पूरे लोग पहले से ही फरार चल रहे थे, लेकिन मामले का पर्दाफाश हो चुका है। प्रेम प्रसंग का मामला था, और जिसने हत्या की होगी आशंका के हिसाब से कि वो प्रेम प्रसंग की वजह से लड़की के पक्ष वालों ने ऐसा किया होगा, लेकिन जांच चल रही है कि उस युवक की हत्या किसने की। लेकिन उसके पहले ही परिजन, लड़की के परिवार वाले घर से लापता हैं। पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है, बैरिकेडिंग की गई, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, और हर पहलू की विधिवत जांच चल रही है, और जांच के बाद आरोपी तय हो जाएंगे कि किसने आखिर आजाद निषाद की हत्या की होगी। जांच का पड़ताल का विषय है। तब तक देखते रहिए, बने रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम। ठीक बोले हैं।